माता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांति वीर, वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी, नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, हर लेती थी सबकी पी। सावित्री बाई थी वो क्रांति वीर, क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले। सबसे पहले जानने की कोशिश करिए कि क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले कौन है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सावित्री बाई फुले के बारे में जानना चाहिए। सावित्री बाई फुले के बारे में वही व्यक्ति बता सकते हैं जिन्होंने सावित्री बाई फुले का विचार को जिया। सावित्री बाई ने क्या कहा है, स्त्रियों उठो, शिक्षित बनो, जागो। मैं आपसे सावित्री बाई फुले के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं एक पागल बुड्ढा हूँ, मैं सावित्री बाई फुले के बारे में कुछ नहीं जानता। बाबा। आलो आलो बाबा। काय झालं ग बाबा? तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से? चुप! मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सावित्री बाई फुले के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं जानता, जाओ। जो लड़कियों की बेहतरी के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है, शहर छोड़कर गांव में आ जाए, गाँव वाले भले ही उसे पागल बुड्ढा क्यों ना कहे, लेकिन मेरी नजर में वो पागल बुड्ढा नहीं है कोई, वो प्रोफेसर नामदेव पाटिल है। जैसे सावित्री बाई फुले के उद्देश्य को पूरा करना आपके जीवन का लक्ष्य है, वैसे ही उनकी कहानी जानना अब मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। प्लीज ये मेरी बहू है शिवानी। नमस्ते। चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, अब वक्त नहीं गवाना, ज्ञान विद्या प्राप्त करे, चलो हम संकल्प करें, अज्ञानता और गरीबी की गुलामगिरी चलो तोड़ डाले, सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दे, चलो हम संकल्प करें, चलो हम संकल्प करें। सावित्रीबाई फुले की ये कविता सिर्फ कविता नहीं है बल्कि उस समय का एक सच है। उस समय हमारा सारा समाज अज्ञानता, गरीबी, भूखमरी और ब्राह्मणवाद की मार झेल रहा था।
पिछड़े और महिलाएं पिछले कई सदियों की तरह अब भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे। यहां तक कि कुओं की भी जात हुआ करती थी। व्यक्ति सिर्फ अपनी जात के कुएं से ही पानी पी सकता था। अछूतों को मुख्य सड़क पर चलने का अधिकार ही नहीं था। कहीं उनके पद चिन्हों पर पैर पड़ के कोई ब्राह्मण अपवित्र ना हो जाए। लड़कियों को जन्म लेते ही मार देना एक सामान्य सी बात थी। ये बात सन 1831 की है। कंडोबा, अगली बार मुलगा देना। रुको रुको बंकू, बंकू मेरी बच्ची को मुझे दे दे, मत मारो उसे बंकू। अरे कोई बचाओ, कोई तो कहो इसे। दादा दादा आप कहिए ना, चाचा आप कहिए ना बंकू। देख मैं उसे संभालूंगी बंकू, मैं कह तुम्हें काम करूंगी बंकू। मेरी बच्ची को मुझे दे दे। बंकू बंकू मेरी बच्ची को मत मार। देख देख मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ बंकू, छोड़ दे बंकू, मेरी बच्ची को मुझे दे दे। बंकू ये क्या अनर्थ कर रहे हो, अपनी ही मुलगी को मारोगे? खंडू जी अनर्थ नहीं है, धर्म का काम कर रहा हूं। मुलगी मरेगी तो उसे मुक्ति मिलेगी और मुझे भी। आ गए अंग्रेजों के देवदूत, अब ये इस मुर्गी को बचा कर ही रहेगा। बंकु पागल हो गए हो तुम? हाँ अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। सोचो बंकु, बंकु सोचो, ये तुम्हारी मुर्गी है और तुम इसके पिता। क्या तुम अपनी ही मुर्गी को मारोगे, अपने ही संतान को? खंडू जी संतान नहीं, शैतान है ये मुर्गी। इससे ना तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा और ना ही बड़ी होकर खाने को देगी। क्या करूंगा इसे पाल के, इससे अच्छा इसे कुएं में फेंक दूं। खंडू जी मुझे मेरी मुलगी वापस दे दो। बंको एक बात याद रखो, तुम्हें जिसने जन्म दिया है ना वो भी एक मुलगी है। और हर कोई अगर तुम्हारी तरह यू लड़कियों को मारने के बारे में सोचेगा ना तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बंको जी आपके लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। आप बताइए, जिसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती उसे ये पालकर क्या खिलाएगा? पाटिल भाव मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मुलगी को मुझे दे दीजिए पाटिल भाव, उसे बचाइए, उसे बचाइए। आपने ये अच्छा नहीं किया, मुझ गरीब पर आपने जुल्म किया है, जुल्म। आप मेरा दर्द नहीं समझ पाओगे, आप मेरा दर्द तभी समझ पाओगे जब आपको भी मुलगी होगी। खंडोबा करे और तुम्हारी बात सच हो, मुझे भी मुलगी हो। अरे गड़बड़ किया खंडू जी ने, बहुत बड़ा गड़बड़ किया। बंकू की बेटी को बचाने की क्या जरूरत थी हैं? अरे मुलगी थी, मर जाने देते, क्यों बचाया, क्यों बचाया? लेकिन काका, आप
खंडू जी को क्यों कोस रहे हो? आई मीन खंडू जी ने जो उस वक्त हिम्मत दिखाई वो आज के जमाने में कोई कर ही नहीं पाता। आई थिंक खंडू जी इज द रियल हीरो। आई सैल्यूट हिम। अरे सैल्यूट करने से क्या बंकू की बेटी बच जाती? अरे वो जमाना ही ऐसा था कि बेटी को बचाना मतलब उसको मारने के बराबर ही था। हाँ उससे भी बुरा था, मगर अगर वो बच भी जाती तो ये समाज क्या उसे जीने देता? नहीं, वो रघुवीर सहाय ने लिखा है ना, नारी बेचारी है, पुरुष की मारी है, तन से क्षुधित है, मन से मुदित है, लपक झपक कर अंत में चित है। रघुवीर सहाय का नाम तो सुना होगा ना आपने? हाँ, पोएट थे। वाह 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 काव्या जी, क्या बात है, आप तो बहुत कुछ जानती है। अरे कविता लिखते थे मतलब पोएट ही थे ना? अरे बहुत बड़े पत्रकार थे, समाज के बीच जाकर समाज की सच्चाइयों को उठाते थे वो। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आई होप आपसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बस बस अब ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, हैं? काका फिर क्या हुआ? बंकू गुस्सा थूक दे और पानी पी ले। लो जहर पैदा करके मुझे पानी पिला रही है, नहीं चाहिए पानी। मुझ पे गुस्सा करके क्या फायदा? तुझे पानी नहीं पीना होता तो मत पी, पर मुझ पे गुस्सा मत कर। मैं तो सिर्फ अपनी गलती सुधार रहा था, तू क्यों आई बीच में? तो मेरे रोकने से रुका या खंडोजी पाटिल की वजह से? बड़े लोग भी ना हमारे मामले में क्यों बीच में पड़ते? मेरी मुलगी है, मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन होते कौन है रोकने वाले? तू पहले तय कर, तू मुझ पे गुस्सा या खंडोजी पाटिल पे, और फिर मुझसे बात कर। आपने बंकू की मुलगी को बचाकर बहुत अच्छा किया। अच्छा आपने मुलगी मांगने वाली बात बंकू की हिम्मत बढ़ाने के लिए कही थी ना? मैं सचमुच मुलगी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो। हम कोई अलग थोड़ी ना है, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। नहीं सच सच, क्या तुम मुलगी नहीं चाहती? क्या चाहती हूँ क्या नहीं मैं नहीं जानती। औरत वो है जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मुलगी का जीवन दुख का समुंदर होता है, इसलिए मैं मुलगी नहीं चाहती। लक्ष्मी तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है क्या? शिव शिव हमने ऐसा तो नहीं कहा, हम यहाँ बहुत खुश हैं। हमें यहाँ उतना प्यार मिला है जितना मायके में भी नहीं मिला। पाटिल मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया की उन सब स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो सुखी नहीं है,
मर मर के जीती हैं वो। हर कोई पत्नी इतनी भाग्यशाली थोड़ी होती है जिन्हें आपके जैसा पति मिले, जो हमारे मन का ख्याल रखे। और आप जैसा पति हर किसी को कहाँ मिलता है, यही सोच के मैं मुलगी नहीं चाहती। अरे मेरी प्यारी मुलगी, तुझे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो गई। मुक्ता, सुनो, मैंने अपनी मुलगी का नाम मुक्ता रखा है। मुक्ता बाई, प्यारी मुक्ता बाई। बंकू, बंकू, मुक्ता, बाबा तुझ पे भी गुस्सा है और मुझ पे भी गुस्सा है। मैं हालात पे गुस्सा हूँ। बंकू, तू एक बार देख लेना अपनी मुलगी का चेहरा, देख कैसे कपास की रुई की तरह नरम है ये। तू देखना एक बार अपनी मुलगी का चेहरा, तू एक बार देख लेना अपनी मुलगी का चेहरा, तू एक बार देख लेना अपनी मुलगी को। हाँ, मुक्ता, मेरी प्यारी मुक्ता, ओ ओ मुक्ता, देखो, ओले मुक्ता, इसकी नाक तो देखो बिल्कुल मेरी तरह है। मेरी तरह नहीं होना चाहिए था, इसकी नाक तुम्हारे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतनी सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पता है, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही थी कि एक बार अपनी मुलगी का चेहरा देखो। मुक्ता भाई, अब पता चला खंडू जी ने हमारी मुक्ता को बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पाटिल, आप सब जानते हैं फिर भी आप मुलगी चाहते हैं। लक्ष्मी, मैं जब मुलगी के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे आई या फिर तुम्हारा ख्याल आता है। आई कितनी चिंता करती है मेरी और तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। इस दुनिया में जो भी खूबसूरत है, अच्छा है, मुझे लगता है किसी ना किसी मुलगी के कारण ही, वरना हम आदमी नियम कानून बनाने लग जाते हैं। पर स्त्रियां ही जो इस दुनिया को रहने लायक बनाती। लक्ष्मी, इसीलिए मैं मुलगी चाहता हूं। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आपने कहा ना, हम ही है जो दुनिया को खूबसूरत बनाती है। देखा मुलगी, तुम्हारी आई मुझ पर हंसती है, इसे मेरी बात पर भरोसा नहीं, इसे नहीं लगता कि मुलगी इस दुनिया को खूबसूरत बना सकती। जब तू इस दुनिया में आना, इस दुनिया को बदल देना, कुछ ऐसा कर देना इस दुनिया में किसी को भी दुख ना, किसी लड़की को बोलो, करोगी ना? काय वाली मुलगी कहती है हाँ।
पंडू जी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बंको, अरे ओ बंको, पंतो जी ने बुलाया है तुझे। मुलगी का जन्मोत्सव हो गया हो तो चलकर कुछ काम धाम कर ले। हाँ बस अभी आया। शांता, इसे इसे भी ले ले। बंको, हाँ हाँ बस अभी आया। देखो मैंने इसे अभी तक अच्छी तरह से देखा भी नहीं है। बंको आया आया। रुको बंको, गुस्से के मारे कल से ना तूने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, कुछ खा के जाओ। बस मैं अभी रोटी परोसती हूँ। शांता, वैसे भी घर में कुछ परोसने के लिए है। जाना होगा शांता, बंधुआ मजदूर को क्या भूख क्या प्यास क्या, मालिक की गाली खाकर ही भूख मिट जाती है। जाना होगा। हम कौन है? हम देवता है, देवता ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता की आंखों में धूल छोकता है। नहीं भाजी, बहुत प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने गया था। वहाँ तो जानवर भी पीते, इसलिए मैं भी पानी पीने गया था। मालिक माफ कर, जानवर शूद्र नहीं होते, वो शूद्र है। भूल गया था मालिक, हम लोग जानवर से भी नीच है।